दोस्तों ये हमारे पास आईटेल का वीजन वन फ़ोन है और इसमें दिक्कत ये है दोस्तों, कस्टमर ने बताया कि इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो हम देख लीजिए, यहाँ से आपको पैनल खोल कर दिखाते हैं, इसमें सिम भी पड़ी है क्योंकि अंदर की तरफ सिम लगती है इसमें, और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर हम सिम वहाँ पर लगी होती है, इसमें अंदर लगी होती सिम, सिम आउटर नहीं लगा होता है इसमें। आईटेल वीजन वन में सिम लगी होती है, देख लीजिए यहाँ सिम लगी है इसमें, और यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ 1% भी नेटवर्क इसमें नहीं आ रहा, देख लीजिए सिम लगी है। तो दोस्तों इसमें दिक्कत ये हो रही है कि सिम नहीं आ रही है, हम इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी तरफ डालते हैं सिम, तो चेक करेंगे एक बार, यहाँ से निकाल कर दूसरे स्लॉट में डालेंगे सिम कि हो सकता है दिक्कत कर रहा हो यहाँ स्लॉट, तो दूसरे स्लॉट में डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर सिम इसकी आती है या नहीं आती, तो चेक करते हैं, कुछ देर वेट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर नहीं आ रही, हम सेटिंग इसकी जाते हैं, सेटिंग करते हैं इसकी और नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे हम। एक बार कोई भी फ़ोन हो आपको एक बार चेक करना होता है, नेटवर्क सेटिंग वगैरह चेक करना होती है आपको, तो यहाँ से हम नेटवर्क सेटिंग चेक करते हैं इसकी। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर रोमिंग हमने ओपन कर दी इसकी, और यहाँ पर देख लीजिए सर्च कर रहा है ये नो नेटवर्क फाउंड, फेल हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत आ रही है, इसमें नेटवर्क बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा है, 1% का नेटवर्क इसमें नहीं आ रहा, तो दिक्कत कहाँ से है हमें सबसे पहले देखना होता है इसका। देख लीजिए यहाँ से हम इसको पहले ओपन करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ से मोबाइल को ओपन करेंगे, इसके नीचे ऊपर ये पैच लगे हुए हैं, इसको ओपन करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि दिक्कत कहाँ से हो रही है, आपको क्या करना होता है। बहुत ही छोटी दिक्कत कभी कभी होती है इसमें। यहाँ देख लीजिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हटा दिया हमने, पेज ओपन कर लिया, यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे भी हटा लेंगे, यहाँ से इसको हटा लेंगे और आपको दिखाते हैं। देख लीजिए जंपर लगे हुए हैं, दो जंपर लगे हुए हैं यहाँ पर, अब इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए ये यहाँ से जंपर लगे हुए हैं दो, ये जंपर एंटीना जंपर लगाया गया, एंटीना वायर इसमें नहीं लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जंपर से भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, एंटीना वायर की बात अलग होती है, एंटीना वायर लगा होगा और यहाँ से जंपर भी कहीं से ब्रेक हो सकता है, दिक्कत कर रहा हो, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पहले चेक कर लेना है, आपको देखना है, आई टेस्ट करना है, पहले आपको देखना है कि दिक्कत कहाँ से है। अगर जंपर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप यहाँ पर एंटीना वायर अगर आपके पास है तो वो लगा देंगे, एंटीना वायर लगाने के बाद आपकी दिक्कत जो इस तरीके की होती है वो कई बार सही हो जाती है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको एंटीना वायर ही लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जंपर लगे हुए हैं, इनको हम हटाते हैं और हटाने के बाद यहाँ पर एंटीना वायर लगाएंगे। दोस्तों ये हमारे पास एंटीना वायर है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं। कुछ एंटीना वायर थोड़ा बड़े भी होते हैं तो आपको एंटीना वायर हर किस्म के मिल जाते हैं, तो ये मेरे पास थोड़ा एंटीना वायर बड़ा है, तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। तो देख लीजिए हम एंटीना वायर यहाँ पर लगा देते हैं, इस तरफ लगा देते हैं और उस तरफ सब बोर्ड में भी लगाना पड़ेगा एंटीना वायर हमें। तो इस तरीके से हम एंटीना वायर लगा कर चेक करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने एंटीना वायर इसको लगा दिया है, अब यहाँ से इसके जो जिस तरीके से हमने ओपन किया था उस तरीके से इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पर ऑन करते हैं, सिम डालकर चेक करते हैं। जो प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क की, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे थे इसमें, हमने सर्च भी किया नेटवर्क, तो यहाँ पर नेटवर्क फेल हो रहा था। तो चलिए अब इसको लगा कर चेक करते हैं, ऑन करते हैं फ़ोन को, यहाँ पर सिम लगा दी हमने, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ देर वेट करेगा, यहाँ पर सर्च करने में कुछ देर हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेटवर्क यहाँ पर आए या नहीं आए, तो कुछ समय लेते हैं, कुछ देर बाद चेक करेंगे इसको हम। तो देख लीजिए यहाँ पर नेटवर्क हमें मिल गए हैं, यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क आ गए हैं। जो दिक्कत थी वो एंटीना वायर से थी, हमने इसमें एंटीना वायर चेंज कर दिया और इसकी प्रॉब्लम ये सही हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम अगर हो तो आप सही कर सकते हैं इसको, और प्रॉब्लम होगी तो नेटवर्क वायर जो होता है उसको आप देख लेंगे एक बार, अगर वहाँ पर जंपर लगे तो जंपर भी आप सही से लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपकी सही हो सकती है, तो आपको चाहिए कि आप देख लें उसको, पहले चेक कर लें कि नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो रही है तो पहले वायर चेक करना है आपको। दोस्तों आपको वायर चेक करना है और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे वायर आपने कहा सही भी है उसके बाद आपको देख लेना है कोई कंपोनेंट्स वहाँ पर ओपन तो नहीं है, कई बार एंटीना जो एंटीना लगा होता है वो भी दिक्कत करता है, तो उसको भी देख लेना है आपको। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, उसको आपको देख लेना है और उसको चेंज कर देना है वायर को या कोई एंटीना को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप आगे वर्क कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं सॉल्व हो रही है तो आप आईसी तक जाते हैं, आईसी की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ सही करते हैं।